ये सरकार के पास बुद्धि नाम की चीज़ है नहीं, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन थी, चाहे वो GST थी, चाहे ये जो अभी NRC है। NRC अपने आप में एक झंझट वाला चीज़ है। आपका घर आसाम की ब्रह्मपुत्रा की बाढ़ में बह गया है तो आपको इस लोकतंत्र, ये लोकतंत्र आपको डिटेंशन सेंटर गिफ्ट करता है। हिंदुस्तान के सबसे बड़ा पार्टी है बुद्धि विरोधी मोर्चा जो BJP है। जो पेपर NRC में मांगे जा रहे हैं वो पेपर नॉर्मल राशन कार्ड नहीं है। असम में हुई NRC को लेकर मुसलसल जिस तरह से सवालात उठते चले आ रहे हैं, इस वक्त मेरे हाथ में जो ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है ये यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ने जारी की है। मेरे साथ नदीम खान मौजूद हैं यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के। क्या कुछ इसमें है नदीम साहब, ये बताइए। देखिए, हमने इस रिपोर्ट में जो NRC में खामियाँ रह गई थी उसके बारे में बात लिखी है, और असल हमने जो इसमें चर्चा करी है वो चर्चा इस बात पर कि NRC से जो 19,67,000 लोग जो हटाए गए हैं, अब उनको जो मौका मिलेगा वो मिलेगा फॉरेन ट्रिब्यूनल में, और फॉरेन ट्रिब्यूनल इससे पहले भी काम कर रहा था, तो फॉरेन ट्रिब्यूनल क्या है, उसके काम करने का क्या तरीका है, और क्या फॉरेन ट्रिब्यूनल का काम करने का ऐसा तरीका या उसकी विश्वसनीयता ऐसी है जिस पे भरोसा किया जा सके कि ये 19,00,000 लोगों को नेशनलिटी देने के लिए एक सक्षम, सही और सही प्लेटफॉर्म है जो डिसाइड करेगा, उसके बारे में हमने चर्चा करी है। आपने इस पर लिखा है डेमोक्रेसी अंडर डिटेंशन। जाहिर सी बात है, जब हम बात करते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो लोग जो इस देश में रहने वाले लोग हैं, तो यही इस डेमोक्रेसी की व्याख्या है और यही इस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रैम्बल है, और वो डेमोक्रेसी के लिए डिटेंशन सेंटर तैयार किए गए हैं कि अगर आप गरीब आदमी हैं, आपका घर आसाम की ब्रह्मपुत्रा की बाढ़ में बह गया है, तो आपको इस लोकतंत्र, ये लोकतंत्र आपको डिटेंशन सेंटर गिफ्ट करता है। अच्छा, एक बात और ये जो सामने आ रही है कि जो NRC लागू हुई है वो अगर पूरे मुल्क में लागू हो जाए तो भी कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कुछ मुस्लिम रहनुमाओं की तरफ से ये बात सामने आई। देखिए, जिन जो लोग ये बात कर रहे हैं उन्होंने ग्राउंड में काम शायद नहीं किया होगा, क्योंकि आप ये देखें कि सोसाइटी में जो मैंने अभी आपको बताया कि 19,00,000 लोगों में 95% लोग वो हैं जिनके पास, जो बिलो द पावर्टी लाइन है, जिनके मकान बाढ़ से बह गए हैं, जो माइग्रेंट लेबर हैं, विद इन स्टेट माइग्रेंट लेबर हैं, या झारखंड से चाय के बागानों में काम करने के लिए गए हुए हैं, उनके लिए बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। वो कैसे डॉक्यूमेंट पेश करेंगे? आप अभी यहाँ चले जाएँ और यहाँ गरीब बस्तियों में जाके पेपर मांगना शुरू करें, उनके पास कितने पेपर होंगे, या आप उससे मजे? और जो पेपर NRC में मांगे जा रहे हैं वो पेपर नॉर्मल राशन कार्ड नहीं है। आपने दौरा भी किया आसाम का यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ने, क्या कुछ वहाँ आपने ग्राउंड पर जो देखा वो क्या परेशानियाँ इस वक्त? देखिए, परेशानियाँ यही हैं कि जिन लोगों के नाम निकल गए हैं उनके पास पेपर हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि वकील कैसे करें। आदमी फॉरेन ट्रिब्यूनल में किसी वकील के ज़रिए जाएगा, वकील कौन करेगा? 19,50,000 केसेज हैं सिर्फ फॉरेन ट्रिब्यूनल के। गरीब आदमी जो, मैंने अपनी यही बात कही कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, सरकार जो राइट टू फूड की बात करती है वो ना खाना दे पा रही है, ना सांस दे पा रही है, ना हवा दे पा रही है, लेकिन वो ये कहती है कि आप साबित करें कि आप हिंदुस्तानी हैं कि नहीं। तो वो एक आदमी कैसे साबित करेगा, वो कैसे फॉरेन ट्रिब्यूनल जाएगा, कैसे वकील करेगा, ये सारे सवाल हैं। तो यूनाइटेड अगेंस्ट हेट इसमें पूरी तरह से अब आगे आ गई है। देखिए, हमने इससे पहले भी डॉक्यूमेंटेशन का काम किया था ग्राउंड में, हम ऑलरेडी वहाँ की संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और वहाँ जो चल रहा है वो दिल्ली की मीडिया के सामने हम रख रहे हैं, यही हमारा काम। NRC अपने आप में एक झंझट वाला चीज़ है, एक ट्रबलसम चीज़ है। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, एक धर्मनिरपेक्ष समाज में, एक लोकतांत्रिक देश में अगर NRC जैसा एक्सरसाइज हो तो लोगों को तकलीफ ही देता है, ये लोगों को राहत नहीं पहुंचाता। मुसलमान लोग थोड़ा राहत महसूस कर रहे हैं इसमें, इस वजह से कि वो दशकों से ये पीड़ा से गुजर रहे हैं, इस मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं कि उनको फॉरेनर्स कहा जाता है। अब NRC में चूंकि उनका नाम कम मुसलमानों का नाम आया तो एक सेंस ऑफ रिलीफ है। अब ये तो नहीं कह सकता कि उनको कि आप फॉरेनर्स हो, आप बांग्लादेशीज हो, ये एक सेंस ऑफ एक समझिए कि ब्लेसिंग इन डिसगाइज है उनके लिए। काफ़ी परेशानी से तो वो गरीब मुसलमान जो ज़्यादातर गरीबी हैं, ज़्यादा आसाम में तो ऐसे भी GDP ज़्यादा, लेकिन वो उनको, उनके लिए ये एक मानसिक रूप से राहत है। तो ये है एक दूसरा पहलू। जो पॉजिटिव पहलू NRC का ये है कि जो मुस्लिम समाज अपने को जो हमेशा एक
शक की निगाह से लोगों की नज़र में रहता था कि जो वो बांग्लादेशी हैं, चूँकि बंगाली स्पीकिंग है, अलग पहनावा है, वो उस शक के उम्मीद करते हैं वो कि उस अब वो शक उन पे नहीं रहेगा, वो लांछन उन पे नहीं लगेगा, इससे वो बरी हो गए हैं। बिल्कुल परेशानी समझ पे हो रहा है, क्योंकि अगर किसी को रोज़ाना फॉरेन ट्रिब्यूनल के सामने पेशियां करना होता है तो कोई गरीब दिल्ली में कोई गरीब आदमी अगर केस लड़ना पड़ता 30,000 और साकेत से रोज जानता है तो उतने ही में उसकी ताकत निकल जाती है। अभी हाल में ही हमने देखा कि 400 किलोमीटर दूर बारपेटा से लोग अपने फॉरेन ट्रिब्यूनल के पेशी में लग रहे, 400 ट्रिब्यूनल किलोमीटर बस में जाए और एक ही दिन के नोटिस पे, तो कितना खर्चा होता है। और ये एक एक तारीख में तो सारा भुगत नहीं हो जाता है, फैसला नहीं ले जाता, बार बार आते हैं, वकील को करना पड़ता है। तो इनको बिल्कुल सेकंड क्लास सिटीजन के तरीके से माफिक जैसे उनको इनसे व्यवहार किया जाता है। इनको कंगाल बनाने का एक बड़ा प्रयास है और ये बिल्कुल इसको डट के हमको कानूनन तरीके से मुकाबला करना होगा। ये सरकार के पास बुद्धि नाम की चीज़ है नहीं, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन थी, चाहे वो GST थी, चाहे ये जो अभी NRC है और आगे जो तमिल और हिंदी एक ही भाषा होगा पूरा देश के अंदर, ये कहाँ से ये शगुफे ला रहे हैं एक के बाद एक। माने इस देश को एक रखना चाहते हैं या देश को तोड़ना चाहते हैं? ये तो देश तोड़ू संगठन है। अगर बिल्कुल वो सोचें तो हिंदुस्तान के सबसे बड़ा पार्टी है बुद्धि विरोधी मोर्चा, जो BJP है। और शुक्रिया नदीम साहब बात करने के लिए। तो आपने देखा, ये थे नदीम खान यूनाइटेड अगेंस्ट हेट से, जिनकी टीम ने सर्वे किया आसाम का, और जो आसाम में लोगों को, आसाम की जनता को समस्या हो रही है, जो परेशानियां उनके सामने आ रही हैं, वो ये लोग लेकर सामने आए हैं और एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट इन लोगों ने ये जारी की है, जिसके ज़रिए नेशनल मीडिया तक और हिंदुस्तान की तमाम आवाम तक, हिंदुस्तान की पूरी जनता तक ये परेशानियाँ आसाम की लोगों तक पहुँचाने का काम यूनाइटेड अगेंस्ट हेट कर रही है। दिल्ली से कैमरा पर्सन ताबिश अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।